इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की टॉप 5 बेस्ट हॉलीवुड मूवीज और ये सभी मूवीज हिंदी में अवेलेबल होगी। इस लिस्ट में आपको हर तरह के मूवीज देखने को मिलेंगे, लाइक एक्शन, एडवेंचर, थ्रिलर, मिस्ट्री मूवीज, जो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। और ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर रहता है मिराज, जो कि 2018 में एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। ये एक स्पेनिश थ्रिलर फिल्म है जिसमें वेरा और डेविड अपनी बच्ची के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, जहां उन्हें 25 साल पुराना एक टेलीविजन सेट और टेप रिकॉर्डर मिलता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो टेप रिकॉर्डर 25 साल पहले कार एक्सीडेंट में मरे निको नाम का एक छोटे बच्चे का है, जो मरने के बाद भी एक दिन अचानक वेरा रॉय के साथ लाइव बात करने लगता है। एक टाइमलाइन में 1989 और दूसरा टाइमलाइन में 2014 की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसे समझने के लिए आपको शातिर दिमाग के साथ साथ फोकस की भी जरूरत पड़ेगी। मूवी के डायरेक्टर ने जिस तरह से ये साइंस फिक्शन फिल्म की स्टोरी लिखी है, वाकई सलाम ठोकने लायक है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। इसे IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है। हमारा जो नेक्स्ट मूवी जो नंबर 4 पर आता है, उसका नाम है अनकट जेम्स। 2019 में ये क्राइम थ्रिलर ड्रामा है। कहानी एक नशेड़ी जुआड़ी की है जो एक ऐसा दाव लगाता है जो उसके जिंदगी को हमेशा के लिए बना सकता है या फिर उसको मिट्टी में मिला सकता है। फिल्म में कॉमेडियन टच जरूर है, लेकिन ये डार्क कॉमेडी से थोड़ा ज्यादा है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है, जिसको देखने के बाद आपको पैसा वसूल फीलिंग आएगी। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। मूवी को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है, जो कि काफी एक अच्छी फिल्म बनाती है। हमारा जो नेक्स्ट मूवी जो नंबर 3 पर आता है, उसका नाम है ग्लास ओनियन अ नाइफ आउट मिस्ट्री। 2022 में ही आई एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसकी स्टोरी काफी सिंपल है, लेकिन इसे देखने का अंदाज काफी निराला है। कहानी कुछ दोस्तों की है, जिसका एक काफी अमीर दोस्त माइल्स अपने सभी दोस्तों को एक आइसलैंड पर बुलाता है और वह उनको टास्क देता है कि वो उसकी ही मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करे। ये सब सिर्फ फन के लिए होता है। वही इस बार आइसलैंड पर डिटेक्टिव डेनियल क्रेग भी होते हैं। हालांकि वो कैसे आते हैं, ये वाकई थिंकेबल है। डिटेक्टिव माइल्स की मर्डर मिस्ट्री तो एक मिनट में ही सॉल्व कर देते हैं और सभी का वीकेंड प्लान फ्लॉप हो जाता है, लेकिन उसके बाद हकीकत में ही एक दोस्त का मर्डर हो जाता है। अब किसका मर्डर होता है, क्यों होता है, किसने किया होता है, कौन होता है हत्यारा, ये सभी सवालों का जवाब आपको इस मूवी के देखने बाद ही मिलेगा। इस मूवी को 7.2 की IMDb रेटिंग मिली है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मूवी नंबर 2 पर आता है, उसका नाम है प्रोजेक्ट पावर। 2020 में ही आई एक एक्शन सुपर हीरो मूवी है। फिल्म में 3 लीड कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जो एक दूसरे से न्यू ऑरलियंस में मिलते हैं और इस मूवी में छोटे छोटे बच्चों से ड्रग्स बिकवाए जा रहे हैं। ये कोई मामूली ड्रग्स नहीं होता है, बल्कि इसकी एक गोली लेने से इंसान के अंदर अलग ही सुपर पावर आ जाता है, लेकिन ये सिर्फ पावर 5 मिनट तक रह सकता है। और एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का पुलिस वाला फ्रैंक इस ड्रग्स को बिक्री को बंद कराना चाहता है। जो बात फ्रैंक के बॉस को नहीं पता होता है, ये खुद की फ्रैंक खुद भी इन्हीं पावरों का इस्तेमाल कर रहा होता है। मूवी बहुत ही जबरदस्त है, इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा। इस मूवी को 6 की IMDb रेटिंग मिली है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। हमारा जो लास्ट एंड नंबर 1 पर मूवी आता है, उसका नाम है एक्सट्रैक्शन। 2020 में ही आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। फिल्म की कहानी को बांग्लादेश में सेट किया गया है, जो ड्रग्स माफिया का बेटा ओवी महाराजा से शुरू होता है। ओवी को एक दूसरे ड्रग्स माफिया किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद ओवी को बचाने की जिम्मेदारी टाइलर रेक, जो क्रिस हेम्सवर्थ रहते हैं, उसको दी जाती है, जो इन सब से वाकिफ रहते हैं। मूवी में गजब के एक्शन सीन डाले गए हैं, जो आपको बार बार रिवर्स मूड में फिल्म को देखने में मजबूर करेगी। आप इस मूवी को फैमिली के साथ तो नहीं, लेकिन आप फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। इसे 6.7 की IMDb रेटिंग मिली है, जो कि एक काफ़ी एवरेज रेटिंग है। और एक बात बता दूं कि एक्सट्रैक्शन का पार्ट 2 इसी साल 2023 में 16 जून को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज होने वाला है। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आप अपना एक्साइटमेंट लेवल नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।